डियर स्टूडेंट, डायनमो। पिछले वीडियो में आपको बताया गया डायनमो। तो डायनमो क्या है? डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनमो जो होता है, जिसको हम डायनमो कहते हैं, ये दो प्रकार का बनाया गया, एक एसी डायनमो और दूसरा जो है डीसी डायनमो। एसी को अल्टरनेट करंट कहेंगे, डीसी को डायरेक्ट करंट कहेंगे। डीसी और एसी, आपको इसके नेक्स्ट यानी पिछले वीडियो में आपको जो बताया गया एसी और डीसी, एसी जो होता है वो प्लस माइनस दोनों में चलता है। जैसे ये जो एसी होता है, वो एसी का जो है, यहाँ पे आपको बताया गया था एसी डायनमो प्लस माइनस दोनों में चलता है, प्लस माइनस। और डीसी केवल क्या होता है? वो केवल प्लस में ही चलता है, ऐसे ये केवल प्लस में चलता है। तो डीसी जो सप्लाई होती है वो सेल का होता है, सेल या बैटरी से जो हमको लाइट मिलती है वो डीसी होती है, डायरेक्ट करंट। इसको टच करने पे झटका नहीं देता है, जबकि एसी को अगर टच किया जाए तो ये झटका देता है। क्यों? क्योंकि एक बार प्लस चलेगा फिर तुरंत माइनस हो जाएगा, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से चलता है। तो एसी जो घरों में जो सप्लाई आती है वो एसी है। तो आप देखिए, दोनों डायनमो यहाँ पर चित्र बनाया गया है, ये एसी का है और ये डीसी का है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ध्यान से देखिए। आप दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ जैसे बुश, यहाँ पे बुश लगा है, यहाँ पे बुश, यहाँ पे बुश लगा है, यहाँ पे बुश, एक विभक्त वलय लगा होता है, विभक्त वलय इसको कहते हैं। और यहाँ पे विभक्त वलय ये अर्ध मतलब तांबे का होता है, ये आधा भाग लगा है, यहाँ पर आधा भाग लगा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे हैं। अब यहाँ फ्लेमिंग के अगर दाहिने हाथ के नियम के अनुसार देखा जाए, तो दाहिने हाथ के नियम के अनुसार आपको बताया गया था इसमें करंट किधर फ्लो होगा, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र N से S की तरफ होता है, और इस पर अगर ये इस तरह से रोटेट कराया जाता है ऊपर की तरफ, तो इसमें बहने वाली धारा ऊपर की दिशा में होगी, इसमें जब ऊपर बहेगी धारा तो इसमें नीचे की दिशा में धारा बहेगी। ओके, एक सर्किल के लिए बताया जा रहा, बिल्कुल सेम यही कंडीशन इसमें भी हो जाएगा, इसमें धारा ऊपर, इसमें धारा नीचे की तरफ बहेगी। तो यहाँ पर धारा निकल रही है, यहाँ से धारा निकलेगी और इस पर धारा आएगी, तो ये परिपथ जो है आपका पूरा हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर आप लाइट की सप्लाई इस तरह से दे सकते हैं, ये बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा इसमें, तो बल्ब इस तरह से जलने लगेगा इसमें भी, बिल्कुल सेम ऐसे भी आप बना सकते हैं। यहाँ लाइट आएगी इसमें और ये बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। तो ये डीसी बल्ब होता है और ये एसी बल्ब होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे ये आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, जैसे विभक्त बल्ब ये गोलाकार होता है, यहाँ पर ये गोलाकार होता है, तो ये बिल्कुल सर्किल की तरह होता है, गोल होता है, और इसमें ये दो भाग बना होता है जिसको हम विभक्त बल्ब कहते हैं, ठीक है। और डीसी में जो है, डीसी में जो लगाया गया है वो आधा भाग होता है, तो विभक्त बलय यानी दो आधे आधे भाग पे होते हैं। कुंडली जो होती है, इसमें ए बी सी डी जो कुंडली लगी हुई है, उस कुंडली का जो भाग ए बी सी, तो ये जो कुंडली लगी है, तो अब सपोज कर लेते हैं बिल्कुल जैसे ये कुंडली है, कुंडली में दो तार निकले हैं, एक तार आपका ये किनारा आएगा, एक तार ये किनारा आएगा दोनों से, और ये जो कुंडली है इस तरह से रोटेट कर रही है। ओके, तो जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ, अब ये सिरा क्या है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो जब ऊपर की तरफ उठेगा तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी प्रेरित धारा ऊपर की दिशा में बहेगी, इस कंडीशन में बनेगा ये। तो जब ये ऊपर उठा तो ऐसे ये रोटेट कर रहा है, ध्यान दीजिए इधर, तो ये रोटेट कर रहा है। अब ये जो विभक्त बलय होता है, ये जो तार, अब सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक तार आया और इधर से एक तार आया, अब ये तार जो है विभक्त बलय में जुड़ा होता है, ये विभक्त बलय में जुड़ा होता है, ये यहाँ पे लगा होता है, और बिल्कुल ये तार जो आया हुआ है, ये तार सीधी रेखा में ये इस यक्ष यहाँ पर जो ये विभक्त बलय है इससे जुड़ा होता है, विभक्त बलय यहाँ पर ये जुड़ा है,
लेकिन जैसे ही ये रोटेट जब करता है किसी भी डायरेक्शन में, जब ये नाचना शुरू करता है, तो ये विभक्त वलय भी साथ साथ घूमता है। तो ये विभक्त वलय जैसे ये भी घूमेगा इसमें, तो अब जैसे मान लीजिए ये भाग आपका ऐसे बना हुआ है, अब ऐसे हम बना रहे हैं, अब ये भाग यहाँ पे टच किया है, तो ये साथ साथ पूरा ये घूमेगा। इसमें दोनों एक साथ घूमते हैं, जहाँ पे इसको बांध दिया जाता है, ऐसे जोड़ दिया जाता है यहाँ पर, और ये बिल्कुल जब घूमेगा तो इस तार को भी ऐसे रोटेट कराएगा यहाँ पर, जैसे आप कह सकते हैं यहाँ से। तो ये कुंडली जब ये घूमती है तो ये भी साथ साथ घूमता है, और घूमने के साथ ये बुश वायु को ही केवल टच किया होता है, ये विभक्त वलय इसी पे रगड़ते हुए चलता है, और यहाँ पर इसको ये रगड़ते हुए चलेगा इसमें। तो आप ध्यान दीजिए एसी कैसे बन गया और डीसी कैसे बन गया। अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं एक बार जैसे ये जीरो पोजीशन से जब चालू हुआ, तो यहाँ पर जैसे इसमें धारा ऊपर की दिशा में चली, तो अब क्या होता है, अब ये भाग जब इसमें आता है, इसमें इधर चला आता है, अगर इसको हम नाम दे दें यहाँ पर, नाम ए बी, और इसका नाम दे दें सी, और इसका नाम डी दे दें, तो यहाँ पर जब ये सी डी भाग आता है, तो सी डी भाग में धारा नीचे की तरफ जा रही है। ध्यान दीजिए यहाँ सी डी भाग में धारा जो है नीचे की तरफ आ रही है, और ए बी भाग में धारा ऊपर की दिशा में जा रही है। तो हमने अगर यहाँ पर इस भाग को बनाया तो ये ऊपर की दिशा में बनाया, चलिए मान लेते हैं ऊपर की दिशा में, लेकिन जैसे ही ये भाग इसमें आता है, और ठीक है, और ये भाग इसमें चला जाता है, तो इसमें धारा का डायरेक्शन उलट जाता है, तो अर्थात वो दूसरे अर्धचक्र में धारा यहाँ पर निगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कहने का तात्पर्य ये है कि अभी आप कह रहे हैं इसमें धारा नीचे की तरफ आ रही है, और जैसे ही उलट के ये इधर आता है, इसमें धारा ऊपर की दिशा में बहने लगती है, तो एक बार ये प्लस और दूसरी बार माइनस होता है। आपको समझ में आ गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो जैसे इसी किसी एक तार को देखिए, इन दोनों में से किसी एक को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे इसमें ऊपर की दिशा में धारा जा रही है, तो ऊपर की दिशा में हमने ये बनाया पहले, फिर इसमें ये भाग उलट के यानी विभक्त वलय किस पे चलाएगा, विभक्त वलय इस रोटेट पे इधर चलाएगा, और ये भाग किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो दूसरे तरफ जब ये चला आता है ये रोटेट करते हुए, तो धारा का डायरेक्शन क्या होता है, इसमें चेंज हो जाएगा। जब ये यहाँ पर आएगा तो धारा इसमें ऊपर, और फिर धारा इधर नीचे हो जाएगा। यही ध्यान दीजिए, यहाँ से कुंडली जब ए बी यहाँ पर है तो धारा ऊपर, और जब कुंडली यहाँ पे चली आती है तो धारा नीचे, तो नीचे वाले भाग में भी ये धारा देता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है दोनों दिशाओं में धारा देता है। तो ये एसी करंट है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ पर जैसे ये बुश जो है, हम इसे एक्स और वाई सिरों से प्राप्त कर लेते हैं। तो जब ये तेजी बहुत तेजी से इसके अंदर जब ये घूमता है, तो प्लस माइनस दोनों में हमको करंट फ्लो हो जाती है। ठीक है, एक चक्कर में ये जो है क्या होता है, दो बार मैक्सिमम हो जाता है, और प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में चलता है। प्लस माइनस क्यों कहते हैं, एक बार धारा इसमें ऊपर, और फिर इसी ए बी में एक बार धारा नीचे की तरफ चलेगा। इसमें भी ऐसे है, एक बार इसमें नीचे, और जब ये सी डी यहाँ चलाता है तो इसमें ऊपर की दिशा में धारा बहने लगती है। तो इस तरह से ये जो धारा इसमें हमको मिलती है, वो धारा का मान क्या हो गया, प्लस माइनस दोनों दिशाओं में मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है अब ये जो तार आया हुआ है, ये तार इससे बिल्कुल जुड़ा होता है। ध्यान दीजिए इसमें दोनों में अंतर क्या है। अब यहाँ पर ये तार जैसे ये आया, ये इसी में टच है, अब जब ये रोटेट करता है तो ये साथ साथ ऐसे रोटेट करेगा, ये साथ साथ घूमता है यहाँ पर। ये अब ये केवल नहीं घूमेगा, इसमें ये जो विभक्त वलय है ये साथ ऐसे घूम के यहाँ चलाएगा, फिर यहाँ चलाएगा, फिर ऐसे यहाँ पर जैसे है विभक्त वलय यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे आ चलाएगा, फिर यही जो है यहाँ पे चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लेते हैं ये आप धारा ऊपर की दिशा में जा रही है, तो जब ये इधर चला आता है तो धारा की दिशा जो है इसमें, तब इस तार में किधर धारा मिलेगी, तब तार में धारा इधर ही मिलती है। इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में धारा आपको प्राप्त होती है, यानी बल्ब जो जलता है। अब जैसे ध्यान दीजिए यहाँ, अब इसमें धारा ऊपर की दिशा में, अब जैसे ये क्रॉस करके अब ये जो है ये विभक्त वलय आपका यहाँ पे चलाया, और ये विभक्त वलय यहाँ पे चलाया,
तो अब ये जब यहाँ पे ये चलाता है तो इसमें धारा ऊपर की दिशा में और इसमें धारा नीचे की दिशा में, तो ये हमारा जो परिपथ में जो ये सिंबल बना हुआ है, ये धारा इधर ऐसे और फिर ऐसे ही चलती रहती है, यानी केवल इस परिपथ में धारा एक ही दिशा में चलता है, क्योंकि ये विभक्त वलय क्या होता है, ये आधा भाग होता है, ये रोटेट करता है इस कुंडली के साथ, ये घूमता रहता है और बुद्ध से संपर्क में रहता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें देखिए यहाँ पर, तो इसमें जैसे ये आपका जब यहाँ पे चला आता है, जब यह इस भाग पे आएगा तो इसमें धारा का दिशा एक बार इधर बह रहा है तो एक बार क्या हो जाएगा, ऊपर की दिशा में हो जाएगा, तुरंत डायरेक्शन इसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये भाग जब यहाँ पे आएगा इस ए बी की जगह पर, जब ये सी डी चलाता है तो जैसे ही ए बी की जगह पर ये सी डी आएगा, अब इसमें धारा पहले नीचे बह रहा था तो हम ये परिपथ में धारा को नीचे की तरफ दिखाए, और फिर जैसे ही इसमें आता है उसमें हम धारा को किधर दिखाते हैं, ऊपर के डायरेक्शन में दिखाते हैं। तो इस तरह से इसमें प्लस माइनस दोनों भाग में धारा इस परिपथ में बहती है, तो एक बार प्लस बहती है एक बार माइनस में बहती है, तो इसको हम कहते हैं एसी डायनमो। और डीसी में आप देख रहे हैं केवल एक ही डायरेक्शन में बहता है। अब बुश के साथ ये जो सॉरी यहाँ जो वलय लगा हुआ है, ये वलय सेम इस कुंडली के साथ यहाँ चलाता है, ये तार के साथ जब यहाँ चलाता है तो इसमें केवल एक ही दिशा में धारा बहती है, इसीलिए इसको हम डीसी करंट कहते हैं, ये केवल एक ही दिशा में धारा देता है। लिखने का मेथड दोनों का एक ही है, केवल आप लिखते समय ये ध्यान देंगे यहाँ पर कि इसमें विभक्त वलय इसमें पूरा गोल होता है, तांबे का होता है, और ये जो है इसके साथ, यानी जो ये तार आके यहाँ पे जुड़ा हुआ है कुंडली के साथ, ये घूमता रहता है और बुश के संपर्क में रहता है, यहाँ भी ऐसे रोटेट करता रहता है। इसमें अर्धभाग होता है, और ये अर्धभाग जो होता है, ये अर्धभाग होने के कारण एक बार ये यहाँ टच किया है तो वाई जा यहाँ, ये वाई वाला भाग जो विभक्त वाला है यहाँ पे जाके टच करेगा और फिर ये यहाँ टच करेगा, इसमें ऐसा कंडीशन नहीं होता है, ये दूर दूर होते हैं दोनों, और दूर दूर होने के साथ ये अपने ही एसी बुश वाई पे ही केवल वाई टच करेगा, एक्स पे केवल एक्स ही ये वाला टच करेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें वाई को ये वाला टच किया है फिर ये टच करेगा, इसमें फिर इसको ये टच करेगा, तो इसीलिए उसमें केवल एक ही दिशा में धारा बहती है और इसमें दोनों दिशाओं में धारा बहती है। ओके, नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे लिखने का तरीका, बिल्कुल दोनों का सेम है, केवल अंतर जो हमने आपको बताया डिफरेंस, इसी तरह से डिफरेंस लिखना है। थैंक यू।